हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 10:30 और अभी हम लोग सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो खाने बैठ गए। तो देखिए, सब लोग खा रहे हैं और इधर तो ये खेल रहा है टूनू। सब लोग खाने बैठ गए। आज हमारा खाने का मेन्यू है माछ भाजी और ये क्या है, माछ तेल दे तो बंगाली में हिंदी बातें नहीं क्या बोलते हैं। मम्मी को देख के ये भी देखिए उंगली चाट रहा है, ये देखिए उसका मम्मी भी चाट रहे है, वो भी देख के चट रहा है। ये देखिए फिर से उंगली चट रहा है। मम्मी को कॉपी कर रहा है। सो गाइस, आज तो बाहर धूप बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, आज सुबह इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे गया, हर महीने करीब 1000 रुपये, मतलब 3 महीने का बिल है, करीब 3000 रुपया इलेक्ट्रिक का बिल आया, मतलब बहुत ज़्यादा। हर साल में 4 बार इलेक्ट्रिक का बिल आता है 3 महीने करके, लेकिन हर साल इसी महीने मतलब जो जुलाई महीने होता है इस महीने में सबसे ज़्यादा बिल आता है। अप्रैल, मई, जून, इन्हीं तीनों महीने का बिल इसमें आता है और यही 3 महीने सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए हर टाइम ये जो ऊपर में फ़ैन चलता है, हर टाइम मेरे घर में, ये बाहर में और मेरी मम्मी के घर में, सब जगह 3 टाइम फ़ैन चलता है। इसीलिए इस गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक का बिल आता है। और उसके बाद मेरा तो स्टूडियो में तो बहुत ज़्यादा लाइट जलता है, फ़ैन चलता है। सुबह से ये जो दिख रहा है, सुबह से मैंने यहाँ तक पेंटिंग किया है। कल रात तो आधा पेंटिंग हुआ था, अभी आधा पेंटिंग हुआ है और भी बहुत सारा पेंटिंग बाकी है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या है, सुबह से ये जो मेरा फ़ैन है ये फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मतलब इतना स्लो चल रहा है कि क्या बताऊँ। ये देखो, ये जो मैंने फ़ैन चलाया ना, ये फुल स्पीड है, मतलब इतना स्पीड है ना, मतलब कुछ भी हवा नहीं है, एक भी हवा नहीं है। मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस, ये देखिए, ये एक पतला सा पेपर है, ठीक है। ये देखिए मेरा फ़ैन अभी चल रहा है, आप देखिए मैं इसके सामने पकड़ता हूँ, ये देखिए, ठीक ना, मतलब बिल्कुल भी ऐसा पेपर नहीं हिल रहा है। ये देखिए थोड़ा सा भी ऐसे में हाथ में तो बदल कितना सारा हिलता है, और फ़ैन के सामने पकड़ते देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, मतलब समझे कि यही फ़ैन का फुल स्पीड है। इस फुल स्पीड में ही पेपर हिल भी नहीं रहा है और मैं ये इधर बैठ के पेंटिंग बनाता हूँ तो इतना दूर से तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा, ये देखिए। सो इसीलिए मतलब ये मेरा जो फ़ैन है ये ख़राब हो गई है। आज शाम को इसको लेके जाना है मार्केट में और जाके ठीक करके आना है, नहीं तो इस घर में काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा ऊपर लाइट जलता है ना। एक एक लाइट का 40 वाट का लाइट है, तो एक एक लाइट 40 वाट का लाइट है, इसीलिए मतलब 4 लाइट है, मतलब 160 वाट उसके अंदर छोटा लाइट है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घर में हीट होती है, जिसकी वजह से अगर फ़ैन नहीं होगा तो काम करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आज काम करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है, लेकिन क्या करें, आज तो ये करना होगा और शाम को मैं फ़ैन लेके जाऊंगा मार्केट में। सो गाइस, काम करते करते मेरा मेमोरी फुल हो गया और बैटरी का चार्ज भी ख़त्म हो गया था, इसलिए बैटरी मैंने चार्ज पे लगा दिया है। और जो काम कर रहा था उसका एक कॉपी मैंने कंप्यूटर पर ले लिया और मेरे मेमोरी को मैंने खाली कर दिया। अब चलिए फिर से मैं काम करता हूँ। सो गाइस, देखिए मेरा काम तो यहाँ तक हुई है, और भी थोड़ा काम बाकी है, वो तो आज कंप्लीट नहीं और रात को कंप्लीट कर देंगे। सो अभी 6:30 बज गए, जिम जाएंगे, जिम से आके फिर ये काम आज कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, फाइनली अभी जाके मेरा ये जो पेंटिंग है ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए मेरा ये पेंटिंग, अभी मत देखो, पेंटिंग जो चैनल में अभी अपलोड हो चुकी है वहाँ पे जाके देखो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को तो मेरा चैनल का नाम तो पता ही होगा, इजी पेंटिंग बिशद, वहाँ पे जाके ये पेंटिंग फुल आप वीडियो देख सकते हैं। तो अभी है नेक्स्ट डे, यानी कि मैंने कल से ये पेंटिंग स्टार्ट किया, अब है नेक्स्ट डे, अब जाके मेरा ये पेंटिंग पूरा ख़त्म हुआ। अभी 2:03 बज गया है, पेंटिंग मैंने पूरा ख़त्म किया, उसके बाद एडिटिंग किया, उसके बाद अपलोड किया, अब मैंने पब्लिक भी कर दिया है और अब जाके मैं ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ। मतलब ये ब्लॉग्स आपको एक साथ 2 दिन का ब्लॉग्स देखने को मिल रहा है, कल का ब्लॉग्स और आज का ब्लॉग्स। तो चलो, फाइनली ये पेंटिंग मेरा ख़त्म हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 2:03 बज गया है और चलिए अब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। अभी ऐसे कैमरा टैमरा सब इधर से लेना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा पे का चार्ज भी ख़त्म हो गया है। तो गैस, ये जो फ़ैन है ना, कल मैंने आपको दिखा था कि फ़ैन एकदम नष्ट हो गया है, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है हवा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि कल ये फ़ैन को लेके जाऊंगा मेकर के पास, पर नहीं लिया गया, क्योंकि अगर मैं इस फ़ैन को लेके जाता और वो मेकर ये फ़ैन अपने पास रख देता ना, तो मैं गर्मी के मारे ये काम भी नहीं कर पाता। मतलब जितना भी हवा हो रहा है ना, फिर भी ठंड तो हो रही है कुछ भी, तो अगर ये मैं लेके जाता तो वो रख देता ना, तो इसीलिए मैं काम नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो ये पेंटिंग बना लिया है, एक और जो क्ले कैप्स का वीडियो में मुझे बनाना है वो भी मैं बना लेता हूँ, उसके बाद जाके ये फ़ैन में उस मेकर के पास दे के आते हूँ, ठीक है। तो आज है थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, आज तो ये पेंटिंग मैंने अपलोड कर दिया है, कल और परसों ये 2 दिन मिलकर एक क्ले कैप्स का वीडियो बनानी है, उसके बाद जाके सैटरडे इवनिंग को मैं ये फ़ैन दुकान पर दे के आऊँगा और शायद संडे तक ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि मैं संडे कोई भी काम नहीं करूँगा, संडे में मेरा छुट्टी। तो चलिए, खाना रेडी हो गया, खाने में बुला रहा है, उन्होंने बात करते
तो हमारा खाना रेडी हो चुकी है, दोपहर का खाना। अरे हाथ दीस ना, सभी लोग इधर खा रहे हैं। और देखो गाइस बाहर कितना, बाहर ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगा। ये देखो अभी बहुत ज़ोर से बारिश आएगा, तो चलो जल्दी से खा लेते हैं। तुम्हें की खाच्छो, मैंने की खाच्छो मांगछो आज के चिकेन। तुम तुम्हें की खावा এখন বলো বলো। ম্যাগি মনির জন্য, ম্যাগি করছো মনির জন্য, ম্যাগি কি রে মনি কি রে, এটা কি এটা কি, হ্যাঁ ম্যাগি ম্যাগি খুব ভালো লাগে। এই এখনই পড়তি মাংস মাংস না মনি, ম্যাগি ম্যাগি দাও। আ দিব মাকে দিব, খাবো দাও মাকে দাও মাকে দাও। আ আ আ আ একটা প্ল্যাঙ্ক দিয়ে দাও। ও বাবা, তো ইসি বিচ মেরি চ্যানেল পর 3000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে, পতা তুমি 3000 সাবস্ক্রাইবার, 3000 সাবস্ক্রাইবার আপ লোগো নে কমপ্লিট কর দিয়া হ্যায়, ইসিলিয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপ সবাই কো। বহুত হি জল 5 কে সাবস্ক্রাইবার কা জো টার্গেট হ্যায় মেরা, ও কমপ্লিট হো জায়েগা। নে কিউকি জব মেনে ইয়ে চ্যানেল ওপেন কিয়া থা তাব মেরা এক টার্গেট থা কি দেখতে মে কিতনি জলদি ইস চ্যানেল পর 5000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট করতা হু। तो अभी तो 3000 सब्सक्राइबर हो ही गया है और सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर बाकी है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैगी बहुत पसंद है, बहुत सबको, मेरे को, तुम्हारा मेरा पहले था लेकिन अभी नहीं है। सो गाइस अभी 6 बज गया है, लेकिन देखिए आसमान पूरा क्लाउडली है। वैसे तो बहुत ही क्लाउड हो गया था, सोच रहा कि बारिश आएगा लेकिन बारिश नहीं आया, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया है। पूरा दिन बहुत ही गर्मी था, आज बहुत ही गर्मी था ना, लेकिन जब से क्लाउडली हुआ ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, अच्छा लग रहा है। जाओ घर जाओ, हाँ ओखने गए फैन हवाए बसो। सो गाइस देखिए हमारा नीचे पूरा एकदम बिस्तर पर दिया है ताकि पानी इधर पड़े और कीचड़ ना हो, इसीलिए। ये पता है किसने किया, ये मेरी ग्रैंड माँ ने किया। तो इधर मेरा साइकिल है, ये है मेरा साइकिल, अभी मैं जाऊँगा जिम पे। सो चलो। तो गाइस मैं बैग लेने भूल गया, क्योंकि जिम से आते टाइम मुझे अंडे लेके आना है, इसीलिए मैं एक बैग लेके जाऊँगा, पूरा फुल एक ट्रे अंडे लेके आना है। 6:10 हुआ है और चलो दया पता जाओ, तो बड़ा बड़ा टीम देखे दीवा छोटा हमें ना, तो सुबह अभी रात के 8:30 बज गया है और मैं जिम से आते ही घर वापस आया, और अभी मेरे को इधर पूरा साफ सफाई करनी है, क्योंकि मैंने एक तो पेंटिंग हो गया, अब यहाँ पर क्ले क्रैप्स के लिए एक वीडियो बनानी है, उसके लिए इधर क्ले कैप्स का सेटअप लगाना है, ठीक है। तो ये पेंटिंग अभी जाएगा बाहर एंड उसके बाद इधर लाएगा क्ले कैप्स का सेटअप। तो देखिए जिम जाने से पहले मैंने इधर एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना के गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मैं क्ले कैप्स का वीडियो बनाऊंगा उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, इसमें एक काली माता का मूर्ति बनाऊंगा, पिछले हफ्ते मैंने दुर्गा माता का मूर्ति बनाया, ठीक है, तो इसलिए इस हफ्ते मैं काली माता का मूर्ति बना के दिखाऊंगा सबको, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर है। तो ये पेंटिंग अभी हम बाहर रख देंगे, और उसके बाद ये जो रेड पर्दा है इसके सामने हम क्ले कैप्स का जो सेटअप है वो रेडी करेंगे। सो गाइस अभी देखिए मेरा जो क्ले मॉडलिंग का सेटअप है वो पूरा इधर लग चुका है, तो इधर इसके ऊपर मैं क्ले मॉडलिंग करता हूँ, पास में मिट्टी ले लिया है, इधर क्ले टूल्स भी है, इधर कैमरा है, इधर लाइट है, ऊपर भी लाइट है, ठीक है, और ये नीचे इधर मैं पानी को रखता हूँ, तो ये सब कुछ मैंने ले लिया है। और उधर एक मोबाइल रखने का जगह है, वो मैं क्या करता हूँ, जब बैठे बैठे ये क्ले मॉडलिंग करता हूँ ना, तब मैं जब बोर होता हूँ ना, तब उस टाइम पे उधर मैं कुछ मूवी वगैरह लगा लेता हूँ, मूवी हो या फिर कोई भी एक शो हो, ठीक है, वो लगा लेता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ और ये क्ले मॉडलिंग करता हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा बोरिंग कम होता हूँ। तो ये मेरा क्ले मॉडलिंग का सेटअप है, बैठने का जगह है, कुर्सी है, तो इस कुर्सी के ऊपर बैठ के मैं क्ले मॉडलिंग करता हूँ, तो बस यही है मेरा क्ले मॉडलिंग का सेटअप। ओके, और इधर देखिए, इधर मैंने कल मैं क्या क्या करूँगा वो पूरा एकदम शेड्यूल लिख लिया है। कल है फ्राइडे 29 जुलाई, ठीक है, सुबह 7 बजे उठूँगा, 7 से 8 बजे तक जो मॉर्निंग का ड्यूटी, जैसे कि चाय पीना और भी जो भी दांत ब्रश करना सब कुछ 1 घंटे के अंदर करूँगा। उसके बाद 8 AM to 10 AM मतलब 8 बजे से 10 बजे तक मैं एक क्ले मॉडलिंग का वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, फ्रेश होकर, एंड उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगा एंड रेस्ट करूँगा। 11 PM मतलब 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मैं करूँगा ये फिर से एक क्ले मॉडलिंग वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लंच एंड रेस्ट, 5 PM to 6:30 PM आउटिंग मतलब थोड़ा बाहर घूमने जाऊँगा। उसके बाद 7 PM to 8:30 PM जिम,
वैसे तो जिम में करता हूँ एक घंटे से कम, लेकिन आने जाने में ज़्यादा टाइम मैं इधर ऐड कर दिया। उसके बाद नाइम रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं ये जो ब्लॉग बनाऊंगा सारा दिन पूरा दिन, उस ब्लॉग को एडिटिंग करूंगा एंड उसके बाद अपलोडिंग करूंगा एंड 11 PM स्लीप, उसके बाद गुड नाइट। सो गाइस यही है मेरा कल का शेड्यूल। कल मैं ऐसे ऐसे पूरा दिन इसी रूटीन के अंदर चलने की कोशिश करूंगा, अगर पूरा चल पाया तो अच्छा है। मैं तो शेड्यूल इधर लिखता हूँ लेकिन ये सब D2 नहीं होता। मान लीजिए बीच में कोई इमरजेंसी कोई काम आ गया तो उस टाइम तो ये मतलब पूरा एकदम फॉलो करना मुश्किल होता है, तो पहले तो वो काम करना पड़ता है और उसी काम के लिए पूरा शेड्यूल पूरा नष्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए शेड्यूल तो बस एक एस्टिमेटेड है कि कल मैं ये करूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम बीच में कोई इमरजेंसी काम ना आए तो, अगर काम आ जाए तो ये शेड्यूल चेंज हो जाएगा। ओके, तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग इस चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही जल्दी मेरा जो टारगेट था 5000 सब्सक्राइबर वो भी आप लोग कंप्लीट कर दोगे बहुत जल्दी, ये मैं जानता हूँ। तो इसीलिए वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर दीजिए एंड उससे पहले आज ये 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। सो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।